हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छा चल रहा होगा। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया है, आज हम करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। अगर मेरे चैनल में कोई नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के जो सेशंस है वो स्टार्ट होगा एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा दोबारा समय दे सके। टाइम, समय सबसे बलवान है इस दुनिया का। सबसे पावरफुल चीज जो है वो है समय। आज का जो समय चला गया वो दोबारा इस लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। कितना भी पैसा दे दो आपको इस ये जो टाइम है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हो, डेस्परेट रहो, हमेशा डेस्परेट रहो। ट्राई मत करो कि मैं ट्राई करूंगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। देखने के लिए उस समय के बाद कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर चाहिए डेस्परेटली उसको करो और तोड़ मोड़ के करो, ठीक है। हमेशा उस जोश के साथ रहो कि मुझे इसको चाहिए तो मुझे ये चाहिए तो मैं करूंगा, मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। बहुत लोग होंगे कि बहुत पहले जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो आज के डेट पे क्या होगा, वो रिवीजन स्टार्ट करेगा, ठीक है। रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। बहुत लोग होंगे कि एग्जाम्स का डेट जब निकलेगा वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। अभी भी टाइम है, कर लो। कब एग्जाम का डेट आ जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमेशा समय को रेस्पेक्ट दो, वैल्यू दो, क्योंकि जब तुम समय के हिसाब से चलोगे, एक डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन से जब चलोगे, समय को वैल्यू दोगे, टाइम को रेस्पेक्ट दोगे, तब तुम्हारा जो काम है वो एफिशिएंटली होगा, इफेक्टिवली होगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रख के चलो कि मुझे कल के काम आज करना है और आज के काम अभी करना है, कि कल क्या होगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अगर मैं ये काम कल के लिए रखूंगा, पता नहीं कल क्या सिचुएशन होगा और ये काम नहीं होगा कि नहीं, ठीक है ना। ये बहुत सारे प्रैक्टिकल मैंने मतलब देखा है कि जो कल के लिए रखा गया है काम वो कभी मतलब ढंग से नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अगर समय मिलता है आज कर लो, और जो भी प्रिपरेशंस करने का सोच रहा है अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर हमें ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कांटेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ से भी आप प्रिपरेशंस कर सकते हो कर लो, ठीक है। अगर चाहिए एग्जाम्स, अगर नहीं चाहिए तो फिर छोड़ दो। एक होता है ना डू और डाई सिचुएशन, ये है कि करो या फिर मरो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में अटके रह जाओ, बीच में मत रहो। करना है तो करो, नहीं करना तो छोड़ दो। बेकार में कोई टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। लाइफ बिताना है, कुछ करना है तो वो कर लो जो आपको करना है, ठीक है। आज 2 साल इस एग्जाम में देंगे, ठीक है, 2 साल उस एग्जाम में देंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इफेक्टिवली एक जगह पे दो, काम बन जाएगा, ठीक है। एक जगह में मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी आप टोकते रहोगे ना, वो जगह क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे टोकोगे, एक बार दूसरे जगह पे टोकोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका जो फोर्स है या फिर आपका जो एनर्जी, वो बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हो अच्छे से करो, क्योंकि ये एग्जाम्स बहुत डायनेमिक होता है, ठीक है। और थोड़ा मतलब हमेशा फोकस रहो, ठीक है। ये दिमाग में रखो कि ये जो प्रिपरेशंस आप कर रहे हो ना, कि बेकार ना चला जाए, ठीक है। चलो हो गया है, तो आज के जो सेशन है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो आज का जो सेशन है वो भी टाइम के ऊपर ही है, समय, चाल और गति, ठीक है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का हमेशा से एक बेसिक फॉर्मूला रहा है, क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इस फॉर्मूला के बेस पे पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर होता है। बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि अरे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज होता है, ये नहीं कि मैं नहीं बोलूंगा, वो भी होता है, लेकिन इसी फॉर्मूला से ही उठ के आते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं है चीजें, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखो, इस बेसिक को दिमाग में रखो, फाउंडेशन जो है इसको अच्छा करो, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टाइम, टाइम इंटू डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये तो है टाइम।
टाइम इधर स्पीड के साथ गुना है, अगर उधर लेके जाएंगे तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, अगर स्पीड को लेके जाते हैं तो डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो वही तो मैंने लिखा है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि बहुत लोग इस बेसिक पे भी डाउट होता है कि किस तरीके से ये चला गया इधर, ठीक है, तो उसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट मानता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू, तो डिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में मैं इस तरीके से लिख लिया, तो डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट अगर मैं मानता हूँ तो क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो 1 बाई टाइम होगा, ठीक है, ये होगा डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड इक्वल टू 1 बाई टाइम और टाइम इक्वल टू 1 बाई स्पीड। तो यहां से क्या फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, S1 बाई S2। तो अगर यहाँ पे मैं टाइम को इधर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, इसको करो, कांस्टेंट हमेशा 1 को लेते हैं, ठीक है, थीके? ये मत सोचना 1 कहाँ से आ गया। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू 1, मतलब अगर हम स्पीड 1 और स्पीड 2, हम टाइम 1 एंड टाइम 2 पकड़ते हैं तो S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम S2 को इधर लेके आते हैं S1 की तरह और T1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, S1 बाई S2 T2 बाई T1, ये हो गया हम लोग का एक बेसिक, ये अभी नहीं काम में आएगा, वो बाद में आएगा। और एक हम करते हैं, अगर स्पीड को अगर हम कांस्टेंट पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू अगर कांस्टेंट हम मानते हैं तो क्या हो जाएगा, स्पीड अगर कांस्टेंट होता है तो डी इक्वल टू टी, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, और ठीक है डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, हम लोगों ने डिस्टेंस कांस्टेंट माना है तो कांस्टेंट होने से क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू 1, और यहाँ पे अगर स्पीड को हम कांस्टेंट मानते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। और स्पीड अगर हम डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, ये होगा, ठीक है। चलो तो अभी हम और भी बेसिक्स है जो हमेशा याद रखना, जब एग्जाम में स्पीड दिया रहेगा, किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और समय दिया रहेगा मिनट में, सॉरी सेकंड में, ठीक है, तो सेकंड में अगर दिया रहेगा तो ये किलोमीटर पर आवर को तुमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमेशा स्पीड टाइम का और डिस्टेंस का जो यूनिट है वो उसको सिमिलर करने का कोशिश करना। मान लो किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, तब भी जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर को उसको मीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख लो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं हम, तो क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, 5 बाई 18 से गुना करते हैं, किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है ना उसके साथ 5 बाई 18 को गुना करते हैं, ठीक है। और मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर को हम जाते हैं तब क्या करते हैं, इसका उल्टा 18 बाई 5 से गुना करते हैं, किसके साथ, स्पीड के साथ, हमेशा किलोमीटर पर आवर के साथ जो स्पीड दिया रहेगा उसके साथ 5 बाई 18 का गुना होगा, ये क्लियरिटी रखना हमेशा दिमाग में, ठीक है, समझ में आया कि स्पीड को हमेशा जो हम लोगों का यूनिट है हमेशा यूनिट को बैलेंस करना होगा और सिमिलर करना होगा। तो उसके चलते आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर सिमिलर नहीं है तो, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, अगर किलोमीटर में आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18 बाई 5 से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया, तो ये चीज़ नोट करके रखना, ठीक है, चलो।
तो अभी क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक बेसिक स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज, ठीक है, ये जो 30.6 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज बोला गया है, मतलब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 30.6 को किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू 5/18, तो 30.6 मतलब 306 बाय आपका 10 इनटू 5/18, तो अभी आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा, 18 से कितना बार चला जाएगा, दो से करते हैं, 2 वन ज़ा 2, 5 3, ठीक है, और इससे दो से करेंगे 9, 5 से चला जाएगा दो बार, 9 से जाएगा ये 15 153, 9 से जाएगा, देखते हैं, 9 1 9 और 6 ज़ेरो 63, 9 7 63, ठीक है, तो 17/2 हम लोगों का आ रहा है, तो 17/2 तो कितना हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 1 रह जाएगा 0.0, 5 2 ज़ा 10, मीटर पर सेकेंड आ गया, समझे किस तरीके से हो गया है। तो हमेशा क्या करना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ए कवर ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर बाय ए कार इन 36 सेकेंड, ठीक है। तो हम एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि टाइम स्पेस डिस्टेंस का ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो टाइम डिफरेंस, टोटल टाइम, वो हम सब देखेंगे, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम सब आ जाएंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का थोड़ा लंबा चैप्टर होगा, उसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की और कम समय में, ठीक है। तो ए कवर अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर बाय कार इन 36 सेकेंड, फाइंड फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डिस्टेंस दिया हुआ है, चीजों को हमेशा क्या करना, क्वेश्चन जब सामने आता है ना, क्वेश्चंस को रीड करने की कोशिश करना कि यहाँ पे डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है मीटर में, जो तुम्हारा टाइम दिया हुआ है 36 सेकेंड दिया हुआ है, तुमको स्पीड निकालना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो पहले इसको कर दो, ये तो इजी है, 900 डिवाइडेड बाय 36 कितना हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में निकल आएगा, ठीक है। तो कितना कितना आएगा, इसको काटते हैं दो से, 2 वन ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 5 0, तो जाएगा 18 से, 9 से काटते पहले, 9 2, और ये कैसे कैसे चला जाए, 9 5 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 को 2 से भाग देंगे, 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है, ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने से 18/5, तो 5 से काटेंगे इसको 5 बार, तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 9 किलोमीटर पर, तो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो ए पर्सन क्रॉसेस ए बी मीटर, ठीक है, बी मीटर, ये बी है, बी मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 8 मिनट, ठीक है। एक आदमी
बी मीटर लॉन्ग ब्रिज को कवर करता है 8 मिनट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ हिज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया? तो अभी बताओ क्या होगा, इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे दिया गया है ए पर्सन क्रॉसेस ए बी मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, बी मीटर लॉन्ग मतलब क्या, जो ब्रिज का जो लेंथ या फिर डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, और उसका टाइम दिया हुआ है 8 मिनट। ठीक है, और स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना, 2 मीटर। ठीक है, स्पीड कितना हुआ है, 12, और समय कितना दिया हुआ है, 8। 8 मिनट दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 60। हमेशा याद रखना, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 8 मिनट इक्वल टू 848, 480 सेकेंड। सेकेंड में कन्वर्ट करना, मिनट में कभी मत लिखना। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर आवर, और ये सेकेंड में आ गया, तो इसके 12 किलोमीटर पर आवर के साथ क्या हो जाएगा, 5/18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी काटा काटी करो, ये काटेंगे 9 से 2 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 9 से 3 टाइम्स, 10, 3 से काटेंगे 12 को 4। ठीक है, तो आ गया 4 × 8 × 10 × 5, तो ये बी का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 50, 5 × 10 = 50, 50 और 8, 4 × 50 × 8 कितना हो जाएगा, 400, 400, और यहाँ पे 400 × 4 1600, 1600 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा बी का। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट बताओ फटाफट, समझ में आया ना? कुछ हम आज बेसिक फॉर्मूला देखा है, ठीक है, और भी फॉर्मूला, जैसे सिर्फ ये तो एक मतलब जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटू डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, और दो तीन क्वेश्चंस हम लोग देखें, और एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, ये बताओ, इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम विल ही कवर अ डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर बाय कार इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या था, अगर आपको ये टाइम का फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम बैठा देना। ठीक है, यहाँ पे इन हाउ मच टाइम विल पी कवर अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 400 मीटर, तो डिस्टेंस में 400 मीटर बिठा दो, तो और स्पीड कितना दो है, 60, 400 मीटर। ठीक है, और इधर 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में लेके जाएंगे, क्या 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू, हम लोग पास समय हम लोग को निकलना है। ठीक है, तो चलो सब एक साथ लेके आ जाते हैं, 400, 400 × 18/5 इंटू 1/60, सॉरी 16 लिख दिया। ठीक है, इक्वल साइन की इधर है, सब उस तरफ जाने से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1/60, तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 6 से काटेंगे इसको कितने बार, 3 बार, 5 से काटेंगे इसको 8 बार, तो टाइम कितना हो जाएगा, इसमें आएगा टाइम 24 सेकेंड। ठीक है, आया समझ में सभी को? ठीक है, तो ये है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो फिर आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और उसके साथ नेक्स्ट क्लास में हम जो टाइम डिफरेंस वाला है और
टोटल टाइम वाला फॉर्मूला हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है? तो चलो यही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशंस एंड वाचिंग माय वीडियोस। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, यहाँ तक अगर वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से रहो, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय।